नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है 10 शहरों के 10 बड़ी खबरों की और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत चीन मामले की, जहां चीन के साथ गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है, लेकिन यदि कोई उसकी भूमि पर आंख उठाकर देखता है तो उसको उचित जवाब देना भी जानता है। आकाशवाणी पर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में उन्होंने ये बातें कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली अभी कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। शाह ने कहा कि उन्होंने इस बारे में देश के कई वरिष्ठ डॉक्टरों से बात की है। सभी का मानना है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। शाह ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस बयान से लोग डर गए थे कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक कोरोना के संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच जाएगा। शाह ने आगे कहा कि इस बयान से प्रधानमंत्री ने उन्हें दिल्ली की सेवा करने को कहा और वो दिल्ली आकर इस मामले को संभाल रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लद्दाख मामले पर केंद्र सरकार को घेरने पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि वह चर्चा से नहीं डरते हैं। राहुल गांधी कभी भी संसद में भारत चीन बात पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब जवान चीन का सामना कर रहे हैं उस वक्त ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे पाकिस्तान और चीन का मनोबल बढ़े। उत्तर प्रदेश के रामपुर में खुद को दरोगा बताकर व्यापारियों को ठगने वाले सहरून नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सहरून व्यापारियों को फोन और मैसेज के जरिए सामान मंगवाता था और पैसे मांगने पर थाने आकर लेने की बात करता था। जब बहुत सारे व्यापारियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई तो शक हुआ और व्यापारियों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद सहरून की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये वारदात जब उसने 3-4 लोगों के साथ की, लड़के वाले के साथ कहीं से डबल तार लिए, सीलिंग फैन लिया, और जब उन लोगों ने बताया पुलिस ने, अच्छा के लिए इसमें ये मिला कि मोबाइल नंबर तो था ही था, बाइक जो बताई थी उसने, इस बाइक नंबर को देख करके इस बाइक नंबर पे एक लड़का खड़ा मिलेगा उसे दे दीजिएगा, तो डिलीवरी भी स्वयं ले लेता था। वो बाइक नंबर लोगों को याद थे, तो उस आधार पर फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश के खरई शास्त्री वार्ड में एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का विवाह संपन्न होने वाली थी कि पुलिस ने आकर शादी रुकवा दी और आदिवासी परिवार को समझाया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद वर वधु के परिवार को समझाने में सफलता हासिल की और इस शादी को रुकवाया जा सका। ताज नगरी आगरा में शादीशुदा आदमी अपनी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर क्या था, उसकी पत्नी ने उसे सरेआम जूतों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच बीते दिनों उत्तराखंड के मीलम रूट पर सेनर नाले के पास बना बेली ब्रिज टूट गया था। इसे सीमा सड़क संगठन ने कड़ी मेहनत करके 6 दिन के अंदर बनाया है। चीन सीमा को जोड़ने वाला यह बेली ब्रिज उस वक्त टूट गया जब सड़क कटिंग के लिए बड़े ट्रॉला पर पैकलैंड मशीन ले जाई जा रही थी। इस हादसे का वीडियो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखा गया। यहां तक कि चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में भी यह खबर प्रमुखता से छापी गई थी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक और बड़ा हादसा सामने आया है, जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति के नाम पर पेंशन बांटा जा रहा है जो इस दुनिया में है ही नहीं। वह भी एक दो नहीं बल्कि 600 ऐसे व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है उनके पेंशन का गबन किया जा रहा था। इस मामले का खुलासा होने पर अधिकारी पैसे वापस कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। ये क्या मामला है वृद्धा पेंशन के प्रति? जी, हमारे छोटे पापा मोहम्मद याकूब की हत्या कर दिए थे, हो चुकी थी, और उनके नाम से जो है फर्जी वृद्धा पेंशन जो है विभागीय लोग चला रहे हैं। जानकारी अखबार द्वारा हुई है और ऐसे ही खबर मिली है हमको। जो सूचना है इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, सत्यापन कार्य जारी है। वर्ष में नॉर्मली अप्रैल के महीने में हम लोग जितने भी वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, महिला पेंशन है,
इनका हम लोग सत्यापन कराते हैं। वह प्रक्रिया इस बार भी कोविड-19 महामारी के कारण थोड़ा विलंब से शुरू हुआ है, लेकिन उसमें प्रक्रिया जारी है। यूपी के चंदौली में शिक्षिका संध्या द्विवेदी ने कहा है कि उन्हें आशंका है कि उनके नाम और सर्टिफिकेट का उपयोग कर अन्य महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने जिला अधिकारी को दे दी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अनामिका शुक्ला के नाम पर ऐसे ही मामला दर्ज किए गए थे। मेरा नाम संध्या द्विवेदी है। संध्या जी, बताइए कि पूरा प्रकरण क्या है। सर, पूरा प्रकरण ये है कि जैसा कि 24 जून को कुछ समाचार पत्रों की कटिंग मुझे मिली, जिसमें लिखा हुआ है कि संध्या द्विवेदी नामक सामाजिक विषय की शिक्षिका कार्यरत है 3 जनपदों में, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में। तो उस विवरण के अनुसार जो मेरे शैक्षिक अभिलेख है और मेरे पिताश्री का नाम है, मेरी जन्मतिथि, उसमें काफ़ी समानता पाई गई है। तो उसके अनुसार उसको देखते हुए मुझे ऐसा संदेह है कि कहीं मेरे ही जो शैक्षिक अभिलेख हैं उसका कूटरचित तरीके से दुरुपयोग तो नहीं किया गया है। संध्या देवी के प्रकरण की बात है तो विगत 24 जून को विभिन्न समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई थी कि फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद और अलीगढ़ में संध्या द्विवेदी नाम की महिला इन तीनों जगह पे कस्तूरबा में कार्यरत हैं। तो हमारे जनपद चंदौली में चकिया में संध्या द्विवेदी कल कार्यालय में उपस्थित हुई और उन्होंने एक प्रत्यावेदन दिया कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद पुलिस थाने में उस समय हड़कंप मच गया जब एक चोर को कोरोना निकला। उसके बाद 40 पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। चोर को मुरादाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी कुछ दिन पहले एक युवक जो है पकड़ा गया था चोरी के केस में, उसमें जो है उसका टेस्ट हुआ पॉजिटिव निकला, इसलिए एहतियातन के तौर पे जो है जो उससे क्लोज कॉन्टेक्ट में थे पुलिस वाले, उनका सैंपलिंग कराया जा रहा है ताकि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको जो है तुरंत जो है भेज दिया। तो ये थी 10 शहरों की 10 बड़ी खबरें। नमस्कार।